जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी फर्स्ट चॉइस SSF और NIA ही क्यों होनी चाहिए। दोस्तों, आपने कई वीडियो देखे होंगे फर्स्ट चॉइस के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पर जिनको नहीं पता है कौन सी फोर्स का क्या काम है और कौन सी फोर्स किस प्रकार से काम करती है। आपको फर्स्ट चॉइस वो बताते हैं या कि भाई आपकी ये फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो है कि जो फर्स्ट चॉइस का जो रूल है उसके रिगार्डिंग वो नहीं बताते हैं कि फर्स्ट चॉइस आपको किस आधार पर मिलती है। सबसे जो बड़ा रूल होता है वो तो है नंबर। नंबर के बाद में किस पे डिपेंड करता है कि आपको सेकंड चॉइस मिलेगी, थर्ड चॉइस मिलेगी, फोर्थ चॉइस मिलेगी वो। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही फोर्स है उन सिक्स फोर्स जैसे BSF, CRPF, SSB, असम राइफल, ITBP और BSF, इन सभी फोर्स के अलावा कई इनके बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन SSF और NIA के बारे में आप सभी को नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इन फोर्स का काम क्या होता है, ये किस प्रकार की फोर्स होती है, और ये बहुत ही छोटी फोर्स है बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे। आप सभी को बता दूँ, ये भी आर्मड पुलिस फोर्स है, CAPF में के अंदर ही आती है। इसको भी वो सारी सुविधाएँ मिलती है जो CAPF फोर्स को मिलती है। अलग से ये नहीं कि ये आर्मी के अंदर आती है या आर्मी का कोटा मिलता है, ये स्पेशल फोर्सेस है तो इनको कोई अलग से जैसे रिक्वायरमेंट या कुछ अलग से सुविधाएँ मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सुविधाएं सेम मिलती है, लेकिन इनका जो ड्यूटी है या जो ये फोर्सेस है इनकी जो मेरिट रहती है, आपने देखा होगा कई बार पिछले जो 2018 की मेरिट देख लीजिए, इससे पहले भी मेरिट देख लीजिए, इनकी जो नंबर लाने वाले बच्चे हैं उनको 90 प्लस स्कोर करना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्यों ना हो। मान लो अगर आपके 80 नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर बढ़ के 91 हो गया, 92 हो गया, तो आप SSF और NIA में जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 91 स्कोर करो, नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी वहाँ पर पहुँचते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इन फोर्सेस की मेरिट इतनी क्यों जाती है, उसके क्या क्या रीज़न है, क्या इन फोर्स की किस प्रकार की ड्यूटी है, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, फिर आप भी मेरी गारंटी आपकी भी फर्स्ट चॉइस फिर NIA या SSF में ही होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये दोनों फोर्सेस छोटी फोर्सेस है बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उनकी बजाय, तो इनकी जो पदों की वैकेंसी की जो संख्या होती है वो भी कम होती है, इसीलिए इनकी मेरिट काफ़ी हाई जाती है। और ज़्यादातर बच्चे, जितने भी समझदार बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो इनको अपनी फर्स्ट चॉइस चुनते हैं। जिनको लगता है कि वो पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर देंगे, वो हमेशा इन दोनों फोर्सेस को फर्स्ट चॉइस के रूप में ही चुनते हैं। तो इसीलिए इनकी मेरिट क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर जाती है। अब बात करें कि इनका काम क्या होता है, या पहला रीज़न तो ये हो गया, दूसरा कम पोस्ट होने के कारण मेरिट ऊपर जाती है, दूसरा इनको फर्स्ट चॉइस में बोला ना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इसको फर्स्ट चॉइस के रूप में चुनते हैं, आपको भी चुननी चाहिए। क्यों चुननी चाहिए उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं अगर SSF की, यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, SSF का ये खुफिया फोर्स है, आपने इसके बारे में आपको कहीं पे भी कोई भी इसकी वर्दी की, कोई भी इसका वीडियो, किसी भी प्रकार की फ़ोटो या आपको वीडियो नहीं मिलेगा SSF के बारे में कहीं पे भी। आप पूरे गूगल पे सर्च कर लेना, नेट पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं पे भी इसके बारे में कोई भी रियल वीडियो या फ़ोटो नहीं मिलेगी। ऐसे तो अगर आप गूगल पे जाके SSF लिखोगे कुछ ना कुछ फ़ोटो आ जाएगी, लेकिन जो रियल है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुफिया फोर्स है। ठीक है, इसका जो मुख्य रूप से जो काम है वो है भारत चीन से संबंधित, यानी चीन से होने वाली भारत में गतिविधियों पर मुख्य रूप से एक कड़ी नज़र रखता है, साथ में उनका कार्रवाई करता है। कई बार ऐसा हुआ है कि SSF के जो जवान होते हैं वो मतलब मिलिट्री को भी नहीं पता रहता कि ये SSF के जवान है, मतलब इतनी खुफिया रूप से ये काम करती है। इसके जो जवान होते हैं SSF के, यानी पूरी की पूरी खुफिया एजेंसी के रूप में काम करते हैं, और जो भी इनमें भर्ती होते हैं वो भी कभी फिर बाद में नहीं बताते किसी चीज़ को कि मैं SSF में हूँ, वो भी अपनी पूरी की पूरी सीक्रेसी रखते हैं। क्योंकि ये जो फोर्स है स्पेशली भारत और चीन, यानी भारत में जो चीन से होने वाली गतिविधियां या घुसपैठियों पे कड़ी नज़र रखने के लिए फोर्स बनाई गई है, चीन से संबंधित भारत को इंट प्राप्त करने के लिए या उनसे होने वाली कुछ खुफिया जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया, यानी बहुत शानदार फोर्स है। इसको भारत के साथ साथ कई विदेशों में भी ये काम करने के लिए जाती है, तो वो भी बहुत जल्दी मौका मिल जाता है, क्योंकि छोटी फोर्सेस है तो आपको जल्दी मौका मिल जाता है विदेशी यात्रा का भी, विदेश में सर्विस करने का भी SSF के द्वारा। SSF बहुत ही शानदार है, इसकी भी ट्रेनिंग बाकी चीज़ ट्रेनिंग होती है उसी प्रकार इसकी ट्रेनिंग होती है, उसी प्रकार से ड्यूटी होती है, लेकिन इनकी वर्दी, यानी किस प्रकार की, ज़्यादातर ये सिविल ड्रेस में रहते हैं लेकिन इनकी वर्दी भी होती है, लेकिन आपको कहीं पे भी उसकी कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ये खुफिया फोर्स है। जिस प्रकार से नेवी की मार्कोस कमांडो है वो बिल्कुल खुफिया है उसी प्रकार, लेकिन फिर भी आपको मार्कोस के कुछ वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन बंदे को आप नहीं पहचान पाओगे कि ये मार्कोस में है कि नहीं, क्योंकि उनकी पूरी रूप से खुफिया एजेंसी है वो। लेकिन जो SSF है इसके तो आपको कोई भी, आपको कोई वर्दी की फ़ोटो या किस प्रकार की वर्दी पहनते हैं, कहाँ पर ये ड्यूटी करते हैं, आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि खुफिया फोर्स के रूप में, दूसरी इसमें फर्स्ट चॉइस होने के, इसमें रिस्क का काम कम है, दिमाग का काम ज़्यादा है, यानी बाकी जितनी फोर्सेस हैं उनकी बजाय इस फोर्स में रिस्क कम है बाकी फोर्सेस की बजाय। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, रिस्क तो हर फोर्स में, लेकिन बहुत कम है बाकी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन सभी में। आपको पता है BSF में, CRPF में, SSB में, CISF में, इनमें थोड़ी थोड़ी सी रिस्क रहती है,
लेकिन इसमें उतनी रिस्क नहीं है और अच्छी फोर्स है, छोटी फोर्स है। अब बात करें NIA की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दोस्तों अभी भी फिलहाल हाल ही में कुछ दिन पहले, मतलब 5-10 या 15 दिन पहले NIA ने एक ऑपरेशन किया था जिसमें उन्होंने 6 आतंकियों को जिंदा पकड़ा था। अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है जिसमें NIA का काम होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करती है। दोस्तों NIA पर आपने वीडियो भी देखे होंगे, TV पे भी NIA का एक पहले हिस्टोरिकल वीडियो चलता था, मतलब वो नाटक चलता था NIA के ऊपर। जिस तरह से CBI काम करती है उसी प्रकार से NIA काम करती है, लेकिन CBI का काम थोड़ा अलग है, NIA का काम थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप का काम है। NIA में इन्वेस्टिगेशन यानी दिमाग वाला जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है। जॉब इसलिए शानदार है क्योंकि इसका जो काम है वो भी मतलब पूरा माइंडेड काम है और अच्छी जॉब है। इसके आपने देखी होंगी वर्दी में, ज़्यादातर जो वर्दी पहन सिविल ड्रेस के ऊपर एक NIA का कोट या वो ब्लेजर पहनते हैं, ब्लेजर। उसके अलावा इनकी कोई विशेष वर्दी नहीं होती है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन के रूप में ही काम करते हैं, जैसे अभी ड्रग्स माफिया के खिलाफ, या अभी जो निकोटीन वाला जो अभी केस चल रहा था देश में काफ़ी बड़े स्तर पर, जो अफीम वाला, ये इनके जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो NIA करती है। साथ में देश में होने वाली कोई स्मगलिंग, घुसपैठिया, इन सभी की जाँच एजेंसी के रूप में काम करती है NIA। CBI क्राइम के रूप में काम करती है और ये क्राइम से हटकर, यानी चाहे घुसपैठियों, अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठियों, या देश में किसी जैसे ये नशे वाले जितने पदार्थ होते हैं, इनके बारे में जो जांच करने वाली एजेंसी वो है NIA। तो दोस्तों NIA की जॉब इसलिए बेस्ट रहती है कि एक तो इसमें रिस्क कम रहती है बाकी फोर्सेस की बजाय, दूसरा इसका जो काम होता है वो चैलेंजिंग काम होता है, अच्छा काम होता है, दिमाग वाला काम होता है बाकी फोर्सेज की बजाय, मेहनत वाला काम होता है। तो NIA की जॉब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो इस प्रकार का जॉब करे, जैसे CID, वो बचपन से वो एक नाटक देखते आ रहे CID, CBI, इन चीज़ों में, तो इसी प्रकार का NIA का काम है। तो आपको मतलब एक अच्छा मौका मिल जाता है इस प्रकार की जॉब करने का, तो आपकी फर्स्ट चॉइस इन दोनों में से होनी चाहिए दोस्तों। इनके लिए आपका स्कोर क्या होगा, इसके लिए आपको कम से कम 85 प्लस स्कोर करना है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है तो आपके 95 प्लस नंबर चले जाएंगे या 90 से ऊपर चले जाएंगे, तो आपको ये फोर्सेस मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। SSF में पिछली बार लड़कियों की पोस्ट नहीं आएगी, देखते हैं इस बार लड़कियों के लिए पोस्ट आती है या नहीं आती है, लेकिन कुल मिला के बात ऐसी है कि आपकी फर्स्ट चॉइस इन दोनों में से जरूर करिए। दोनों में से कोई भी फोर्स आपको जो अच्छी लगे वो करिए, लेकिन फर्स्ट चॉइस ये उनसे, यही टारगेट मान के आपको तैयारी करना है दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।